आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध। मरने के लिए कोई एक किलो संख्या चाहिए, संख्या माने वो साइनाइड, कितना चाहिए, इतना सा। अरे एक जंगल में आग लगाने के लिए एक ट्रक माचिस चाहिए क्या? एक जंगल में आग लगानी है तो एक ट्रक माचिस मंगवा होगी क्या? एक तीली बहुत है, एक तीली बहुत है, एक ही चीज बहुत है, एक स्पार्क बहुत है, एक स्पार्क, तो एक स्पार्क लग गया, एक चिंगारी लग गई। अजामिल से कहा कि अगर तू द्रव्य दक्षिणा नहीं भी दे पा रहा है तो हमें वचन दे, अपने बेटे का नाम नारायण रखेगा और जा तुझे वचन देते हैं, तुझे पुत्र होगा, पुत्र का नाम नारायण रखना, यही हमारी दक्षिणा है। पुत्र हुआ और उसका नाम रख दिया नारायण, नारायण, नारायण। भोगी था, जल्दी प्राण चले गए। मरते समय अपने बेटे में ध्यान जा रहा था, नारायण नारायण नारायण, तो जो उसका पूर्व का मंत्र था ओम नमो नारायणाय, वो उखड़ा आया। अच्छा, हमने एक बात तो देखी है, जरा सी स्मरणी हाथ में आए तो मंत्र शुरू हो जाता है। जो जापक हैं, जो अभ्यासी हैं, जो हाथ में सुमरणी लेके घूमते हैं ना, तो उनके हाथ में माला दे दो तो मंत्र शुरू हो जाता है। इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि माला लेके हमेशा घूमो, और कोई मुझसे पूछे कि महाराज आपके भी पास रहती है क्या, तो ये लो मेरे पास भी रहती है, लीजिए मैं भी जेब में लिए घूमता हूं इसको। पिछले दिनों हमारे गुरुदेव ने कहा जेब रखा कर भाई, किसी काम में आती है जेब, मैं मेरा जेब कभी कभी रख लिया करो जेब भी। अब हमारे गुरुदेव का आदेश हुआ तो जेब में रखें क्या, तो लो जेब में माला रखी है। जब जेब में हाथ जाता है तो माला हाथ में आती है। और जानते हो जेब में हाथ कब जाता है, या तो प्रसन्नता में या कमी में, तो दोनों में माला ही दिखाई देगी। एक जेब रखिए, एक पॉकेट रखो, स्पेशल पॉकेट रखिए, किस बात के लिए, माला के लिए। एक झोली रखो सुंदर से, माला के लिए। ओम नमो नारायणाय, और अब माला शुरू हो गई तो बेटे में से ध्यान निकल के चला गया नारायण में। देवदूत आए, यमदूतों को भगा दिया, विष्णु पार्षद आए और कहने लगे भगवान का भक्त है, कहां ले जा रहे उसे, नरक में। तो वो यमदूत भाग गए और देवदूत उसे मुक्त करके चले गए। एक का तो बेटा ही नारायण था, राम, जिसका नाम लेने से मुक्ति होती है। जन्म जन्म मुनि यतन कराए, अंत राम कहे आवत में। जिसके नाम में मुक्ति मोद माधुर्य बसा है, जो स्वयं मुक्ति मंत्र है, ऐसे उसके पिता ने 6 बार नाम लिया, मरते समय मुक्त नहीं हुए दशरथ, क्योंकि बेटे को याद कर रहे हैं। राम 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 कर तो रहे हैं, पर राम को याद नहीं कर रहे, बेटे को याद कर रहे, मुक्त नहीं। और एक अजामिल मुक्त हो गया। वृत्तासुर के वध की कथा आती है सिस्टम स्कंध में, वृत्तियों की असुरताई ये वृत्तासुर है, इसलिए अपनी मनोवृत्तियों को सहेज के रखो, थोड़ी एक क्लैरिटी रखिए, वो जरूरी है। हम्बल रहो, पोलाइट रहो, एफिशिएंट रहो, लीनियंट रहिए, झुके झुके से रहो, मीठा बोलिए, थोड़े ईमानदार रहो, फिर भले ही जब कम करना, थोड़े से हम्बल रहिए, लीनियंट रहिए, एफिशिएंट रहिए, कमिटेड रहिए, कमिटमेंट मत तोड़ो, लॉयल रहिए, लॉयल्टी तोड़ मत देना, वचनबद्ध रहिए, प्रतिबद्ध रहिए, संबद्ध रहिए, समर्पित रहिए, जिसके हो उसके बन के रहो, तोड़ मत देना वो संबद्धता। परदेश में जा रहे थे कोई व्यापारी दूर, तो निकले तो आंखों में आंसू आ गए, पत्नी टीका कर रही थी, आरती कर रही थी, मुंह में थोड़ा सा गुड़ रख रही थी, सेठानी ने कहा जरा मुंह खोलिए, तो सेठ ने मुंह तो खोला और गुड़ तो रख लिया, आरती भी करवा ली, रो पड़ा, आंखें पोंछ ली सेठ ने,
तो सेठानी कहने लगी, ये क्या हुआ, आप तो व्यापार करने जा रहे हैं, व्यापार में तो देश परदेश जाया ही जाता है, ये आंखों में आंसू क्यों आ गए? सेठ ने कहा कि मुझे झूठ बोलना आता नहीं और तू बहुत सुंदर है, मैं जाऊंगा परदेश में, तेरी चिंता रहेगी मुझे, तो इतनी सुंदर है ना और ऐसी तो कोई है भी नहीं इस नगर में। अच्छा, सेठ ने एक और बात कह दी कि मैं तो नगर क्या देश विदेश में बहुत घूम आया बिजनेस के लिए और तू जैसी कोई सुंदर है ही नहीं, तो थोड़ी सी लंबी लंबी यात्रा है, पता नहीं कब तक रहना हो, तेरी चिंता लगी हुई है। तो बोले किस बात की चिंता है? बोले ये कि तू सुंदर बहुत है और कोई बहका ना ले, इस बात की चिंता। अब मैं तो ईमानदार आदमी हूं, मैंने बोल दिया। तो सेठानी ने कहा रुको रुको, अब देर हो रही है तो थोड़ा और सही। तो सेठानी गई और तुरंत वो फूलों की दो मालाएं बना लाई, एक तो पति को पहना दी, एक खुद पहन ली। उसने कहा कि जो मैंने आपको पहनाई है तो मेरी माला है और जो मैंने पहन रखी आपकी माला है, तो मैंने अपनी माला आपको पहना दी है, तप की, जप की, सतीत्व की, अपनी पवित्रता की, अपने संकल्प की, अपने चरित्र की, अपने आचरण की, जो मैंने माला पहनाई है मेरे आचरण की माला है, चरित्र की माला है, मेरे संयम की माला है, मेरे पतिव्रत धर्म की माला है, जो मैंने माला पहना दी आपको, इसका एक भी फूल सूख गया तो समझ लेना कि आपकी पत्नी का मन बहक गया है, दो चार फूल सूख जाए तो समझना आपकी पत्नी के मन में लोभ आ गया है, लालच आ गया है और उसका चरित्र शिथिल हो सकता है। और एक और बात, अगर ये सारी माला सूख जाए तो समझ लेना कि आपकी पत्नी भ्रष्ट हो गई। लेकिन लाला जी, एक माला मैंने ही पहन रखी है आपकी, तो अगर इसमें एक भी फूल सूख गया तो मैं समझूंगी कि आप में भी कुछ गड़बड़ तो हो गई है, यानी चिंता मैं रखूं अपनी और आपकी कौन रखेगा, यानी मैं मेरी देखभाल यहां कोई ना करे और मैं संभाल के रखूं अपने करैक्टर को, तो ये आप नहीं रखेंगे अपना करैक्टर संभाल कर, मतलब मैं तो भ्रष्ट हो सकती हूं क्योंकि मैं रूपवान हूं और आप भी तो धनवान है रूपवान है, तो जाइए अब निकल जाओ व्यापार करने। तो बेचारे सेठ जी व्यापार तो करते थे तो वो रोज ना माला देखते रहते थे, तो उनको लगता ये तो माला वैसी की वैसी है, पत्नी की माला, उसमें वैसी गंध वैसी सुगंध, उतनी फ्रेश। अब वो व्यापार में तो आधा ध्यान आधा इस बात में कि मेरी माला तो नहीं सूख गई होगी, दैट इज द कमिटमेंट, दैट इज द लॉयलिटी, ये कमिटमेंट है। वृत्तियों में लोभ पहले आता है, काम आता है, क्रोध आएगा, लोभ आएगा तो चरित्र शिथिल होगा। तो कुछ महीने के बाद जब सेठ जी लौट कर आए व्यापार करके, तो वो ना अपनी पत्नी को नहीं देख रहे थे, उसके गले में माला देख रहे थे कि ठीक ठाक है कि नहीं। तो भी उनकी पत्नी ने कहा कि इसमें से ना कोई दो चार फूल हल्के फुलके सूख गए हैं, ये क्या कारण है? तो बोले वो थोड़ा जो मैं व्यापार में डील कर रहा था ना, तब थोड़ा दो चार चीजें हेर फेर कर ली थी मैंने, ये डील में कुछ ऐसा हो गया, बाकी तो सब सही है। आइए इनका जब तब निराकरण कर लेते हैं, प्राश्चित कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अपनों के बीच में ना एक दो मालाएं बना के रखो, अगर गुरु शिष्य हैं आप, पिता पुत्र हैं, पति पत्नी हैं, युग में तो हम रहती हैं, युगल तो हैं, या अकेला कौन है, परमात्मा तो साथ है ही। तो वृत्तियों की असुरता ही वृत्तासुर है, याचना वृत्ति, भिक्षा वृत्ति, दीन वृत्ति, दैन्य वृत्ति, अहंकार वृत्ति, एक बहुत ही, हम कुरूप से हैं, छोटे से हैं, डिगने से हैं और सुंदर होते, एक बहुत ही शॉर्ट हाइट के आदमी हमको मिले वो बड़े परेशान, वो कहते तो थोड़ा और लंबा सा हो जाता मैं, हमने कहा क्वालिटी ऑफ लाइफ है आपके पास और बहुत अच्छी चीज है, ऊंचाई लंबाई नहीं है तो क्या है। कुछ लोग हीनता रहते हैं, मैं सुंदर और होता, थोड़ा पतला सा और होता, बाकी सब तो ठीक है, हमारा पेट पतला नहीं है, अरे भाई नहीं है कोई बात नहीं, करेक्टर अच्छा रख लो, तो हीनता बनी रहती है मन में, वृत्तियों में हीनता।
सकारात्मक वृत्तियां रखिए, पावित्र रखो, उसमें दया भाव रखो, करुणा रखिए अपनी वृत्तियों में। तो जैसी जैसी आपकी वृत्ति होगी वैसी स्वीकृति होगी आपके भीतर, वैसा ही आचरण स्वभाव बनता जाएगा। तो वो बहुत ही अधमता जिस वृत्ति में थी, ऐसा वृत्तासुर, उसके लिए ये एक वरदान था कि उस वही तुझे मार सकता है जिसने क्रोध न किया हो कभी। तो जब यज्ञ में बाधा आ रही थी और वृत्तासुर प्रचंड हो गया, देवता परास्त होने लगे, तो देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा था कि इंद्र एक महात्मा ऐसा है जिसने कभी क्रोध नहीं किया, तो उसकी अस्थियों से इस वृत्तासुर का वध करेंगे और वो हैं दधीच, उनसे अस्थि लेंगे। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तस्सन्निधो वैर त्याग, जिसमें अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है, जो अपरिग्रही होते हैं, जो सत्यनिष्ठ होते हैं, वही अहिंसक रहते हैं। दधीच से अस्थियां मांगी कि हमें अपनी अस्थियां दे दो। दधीच ने कहा मैं सिंह के सामने जाता हूं और सिंह मुझे आहार बना लेगा, आप अस्थियां ले जाना। दधीच ने अपने शरीर पर गुड़ लपेट लिया, सिंह के सामने जाकर खड़े हो गए। सिंह उनके पैर चाटने लगा, हाथ चूमने लगा। सिंह हिंसक पशु, तो अगर आपने किसी की हिंसा नहीं की है तो कोई आपकी भी हिंसा नहीं करेगा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ व्यर त्याग, अपने भीतर अहिंसा की प्रतिष्ठा कीजिए। मांस मैद रुधिर चबा गया, सिंह अस्थियां रह गईं। उन अस्थियों को स्नान कराया सरस्वती नदी में, उन्हीं अस्थियों से वो धनुष बना था जो सीता उठा सकी थी और राम ने त्रेता काल में धनुष तोड़ा था, उसी धनुष से शिव का धनुष बना था, वही धनुष था जो परशुराम लेकर चलते थे। वो इस प्रकार की अस्थियां थी। इसका अर्थ क्या हुआ कि कभी समाज के लिए आपने कुछ दिया है, धन समय संवेदनाएं को दो चार अच्छी बातें कुछ किया है, इन हाथों से कुछ दिया है कभी क्या? कोई एक ऐसा पल याद आता है कि जब आपको लगे कि उतना बड़ा दान सेवा बड़ा काम मैं नहीं कर सका कभी, एक दिन कुछ अच्छा सा पल याद करके देखो, वो अभी याद करके देखो, चलो उसे बाद में याद करना, कोई घृणित पल याद करके देख लो, अपने जीवन का वो एक काल याद करके देखो, वो समय याद करके देखो जब आपको वो नहीं करना चाहिए था, जो आपको नहीं करना चाहिए था वो आप कर बैठे, जो नहीं करना चाहिए था वो आपने किया, वो याद करना जरा। आपको नहीं बोलना चाहिए था, बोल बैठे। तो जो आपको नहीं सोचना चाहिए था आपने सोचा, जो आपको नहीं करना चाहिए था आपने किया, जो आपको नहीं कहना चाहिए था आपने कहा, वो जो बहुत ही घृणित पल है वो जिसे याद करके आप लज्जित हो, आपको लगे ये तो अच्छा नहीं हुआ, वो घृणा से आया आपने से, ग्लानि से आया, अपमान से आया, वो कभी कभी क्रोध के पल होते हैं, लोभ के पल होते हैं, वो अनियंत्रित काम के पल होते हैं। मैं आपको क्लू दे रहा हूं, आपको नहीं मिल रहे हैं तो मैं बता रहा हूं रास्ता कहां से ढूंढो उनको, मैं क्लू दे रहा हूं आपको ना कि पकड़ के लाइए वो कौन से पल हैं, वो कौन सी घटना है कि आप याद करें आपको लज्जा है, ग्लानी हो, अपने से अच्छा ना लगे, आंख ना मिला सके और छुपा के रखें किसी को पता नहीं लगेगा और आप बंद करके रखो डायरी को, खोलो नहीं, ये नहीं पन्ने खुलेंगे, ये ठीक ठाक नहीं है, ये रहने दो,